नमस्कार दोस्तों हम अपने आम जीवन में कई तरह के अद्भुत इंसान देखते रहते हैं इनमें से कई लोग अपनी विचित्र कार्यों की वजह से अद्भुत बन जाते हैं जबकि कुछ अपने अजीब शौक और प्रतिभाओं की वजह से इनमें से कई लोग अपनी प्रतिभाओं को अपना पेशा बना लेते हैं जबकि कुछ इन्हें अपना शौक ही बनाए रखते हैं तो आइए आपको आज एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताते हैं इस युवक का नाम है सुरेश सहगल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल देशभक्त को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो दोस्तों आइए आगे, आगे बात बढ़ करते हैं सुरेश सहगल के बारे में आपको बताएं और मुझे विश्वास है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके डोंगटे खड़े हो जाएंगे सुरेश पेंटिंग का शौकीन है खासकर वॉल पेंटिंग का ये एक बेजान दीवार पर कुछ ही मिनटों में ऐसे रंग भर देता है कि लोगों के मुंह से अनायास ही निकल जाता है वाह वाह दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करने वाला सुरेश एक दर्जन से अधिक जीव जंतुओं की आवाज़ निकाल सकता है और शायद ही बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर हो जिसकी मिमिक्री वो ना कर पाए ये शख्स अपनी आवाजें बदलने में माहिर है ये अपनी आवाज़ें बदलने की कला दिखाकर लोगों लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देता है सुरेश जादू भी जानता है वो अपने हाथों की सफाई दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है सुरेश बाँसी बजाने का भी शौक रखता है उसे सुरों की गहरी समझ है उसे क्लासिकल धुने बजाना आनंदित करता है उसकी बाँसुरु के छेदों के ऊपर नृत्य करती हुई उंगलियाँ देख कर कोई नहीं बता सकता कि ये कोई म्यूजिशियन नहीं है बल्कि एक सामान्य इंसान है सुरेश सहगल विनोदी स्वभाव का एक बेहद मिलनसार शख्स है जो हर किसी से हंसी मजाक करता हुआ चलता है दोस्तों सुरेश का एक शौक बेहद विचित्र और ख़तरनाक है ये उन जीवों के साथ खेलता है जिनको देख देख कर किसी भी इंसान की चीखें निकल सकती हैं शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो पूरे शरीर में एक सिहन सी दौड़ जाती है जी हाँ दोस्तों सुरेश जहरीले सांपों के साथ खेलता है सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि सर्व जाति के जीव जैसे गुहेरा नेवला चंदनगोय और छिपकली आदि खतरनाक जीवों को पलक झपकते ही अपने नियंत्रण में ले लेता है दरअसल राजस्थान में जिला भरतपुर के नदबई कस्बे का मूल निवासी सुरेश बचपन से ही जहरीले जीव जंतुओं का संरक्षक रहा है वो लोगों को सांपों के प्रति भ्रांतियों को खत्म करता है सुरेश के अनुसार वो दो सौ से अधिक सांपों को जंगल में सुरक्षित स्थानों पर छोड़ चुका है दोस्तों अब तक एक से अधिक सर्प सुरेश को डस चुके हैं सुरेश की इसी खूबी की वजह से क्षेत्र के लोग उसे स्नैक मैन कहते हैं सुरेश बेखौफ होकर खतरनाक बिच्छों को अपनी हथेली पर नचा देता है सुरेश एक से एक जहर जहरीले सांपों को कुछ ही देर में काबू कर लेता है और फिर हाथ में उसका जबड़ा पकड़कर उसके दांत गिनने की कुबत रखता है उसने बहुत सारे गहरे भी पकड़े हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सांप का काटा हुआ बच जाता है पर गहरा का काटा हुआ नहीं ऐसे विषैले जीवों को देखते ही जहाँ शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है वहीं मन में उन्हें मारने का विचार आ जाता है बस इसी बात के खिलाफ सुरेश पिछले बाईस सालों से मुहिम चला रहा है उसका मानना है कि सांप लोगों के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होते हैं ये जीव बेवजह किसी पर हमला नहीं करते सुरेश सांपों और नेवलों को अपने हाथों से पकड़ लेता है गले में डाल लेता है सुरेश से क्षेत्र के लोग सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के बारे में उत्साहित होकर बातें करते हैं उनसे अक्सर लोग इन खतरनाक जीवों के काटने पर जहर उतार निकालने का उपाय पूछते हैं सुरेश सहगल को इस अनोखे शौक की वजह से कोतूहल की दृष्टि से देखा जाता है वह अपने क्षेत्र में अद्भुत इंसान और मैन के नाम से प्रसिद्ध है आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपका धन्यवाद जय हिंद